सत श्री अकाल जी, स्वागत करदा मैं नवे ब्लॉग दे विच। अज एक अलग ब्लॉग लैके आया मैं अपने सबजैक्ट तो थोड़ा जिहा हट के, तो जिहदे विच आपां तुहानूं दस्सांगे भी बचे हुए चौलां नूं मॉडिफाई किवें करिए, जाने कि आपां सिंपल चौलां नूं फ्राइड राइस किदां बनाईए। पहलां आपां गैस बाल के उत्ते रख लिया, कढ़ाई विच पाता महंगे वाला तेल जिहड़ा सरों दा, अजकल बहुत महंगा है। तो आ भागवान ने कट के रखी हुई वैजीज, जिहदे विच प्याज ने, गाजरां ने, तो पत्ता गोभी है, तो लसण है, ठीक है जी। ये कट्ठिया वो ने, तो उस तो बाद जवाक साडा बहुत तंग कर रहा सीगा, इन्हें काम कर नहीं दिता, बड़ा औखा इनू टकाया है। तो आ देख लो ये बाल भी किन्ने लंबे हो गए, अज सिर ना आया सीगा, असी अज देखा भी इन्ने लंबे बाल हो गए, क्या बातें ने। लो जी हुण आपां तेल विच पाता, तो इनू गर्म होने लई रखता है। तो हुण तेल थोड़ा जिहा गर्म हो गया, जिहदे विच हुण जीरा पाता, तो नाल ही आपां लसण पाते, तो ऐन पूरी तरह लसण बिच रड़ चुकया, एन पूरी तरह आवाजा चंगयाड़े निकलते सके, छिट्टे भी पे मेरे, प्याज भी पाते, इतने हूँ फोन हिले तो मेरी बांह पर बहुत छिट्टे पै गए। तो हूँ नाल ही गाजर पा के आप पाती कैप्सीकम, लो जी कैप्सीकम बिच पा के घुल रही ने, तो पूरी तरह हिला के उन्होंने मिक्स कर लेना, पूरी तरह जिमें चार एकदम मसाला मिस्त्री रला हों, उमें रेते सीमेंट मिक्स कर लिया। तो मिक्स करके उस तो बाद आप पाती पत्ता गोभी जी कीड़े वाली होंगी है, चलो असी उन्हूं बिल्कुल गली गली करके गर्म पानी च वाल लिया, असी कीड़े कूड़े सारे मार चुके हैं, तो जिहड़ा कीड़ा साढ़े अंदर भुख वाला वह नहीं मरना, इसलिए असी इनू बनाया। तो हुण इनू पूरी तरह रला रहे हैं, बिल्कुल आपस दे विच लड़ रही ने विच वैजीस आपस दे विच, भी मैं चमक के अगे आऊँगी, मैं चमक के अगे आऊँगी। लो जी हुण वह चीज़ जो हर घर दे विच हुंदी है, सीक्रेट मसाले की रैसपी नूणदानी। नूणदानी दे विचों असी एक नूण कढ़िया टाटा का चिट चिटा, ये पुक गया वो उत्ते, तो उस तो बाद वारी आ गई की कढ़न लगी है भागवान मेरी मसालिया की। चलो मिक्स मसाले मिर्चा मुर्चा पाती, थोड़ी जी हल्दी भी पाई है शायद, बाकी पता नहीं। लो जी इनू चंगी तरह फिर लड़ाया जा रहा आपस दे विच, ताकि नून मिर्च सारा इन दे विच घुल जाए। तो उस तो बाद पता जी मसाला एक होर साड़ी सीक्रेट रैसपी, जिमें हर कोई रेस्टोरेंट वाला कहिंदा है साडी सीक्रेट रैसपी है, वह नहीं दसनी असी, उवें दी उहदी सीक्रेट रैसपी असी विच पाती, तो उन पूरी तरह हिलाता। तो लो जी अगे आ गया सोया सॉस, आए हाय हाय हाय, विच पाती है सारा रंग लाता, काला करता इनू सारा, ओहो। तो एक दूजे नूं पुछदे ने भी कित्थों मूँह काला करा के आए हो, कित्थों मूँह काला, गाजर और प्याज नूं पुछदी है, प्याज कैप्सीकम नूं पुछदा कित्थों मूँह काला कराया। लो जी आ गए ने साढ़े बचे हुए चौल, जिहड़े कि इन्ने खाधे नहीं गए सीगे, ज़्यादा बना ले सी। ते बचे हुए चौलां नूं आपां इन्हां दे विच पूरी तरह घोल देना, मैं पूरी तरह रला देना, प्याज टमाटर ते गाजरां भी सोचण भी उपरों आ के की पीला पीला गिर गया, वैसे बेसिकली वाइट हुंदे ने फ्राइड राइस, पर नहीं असीं पीले बनाए सी तां करके असीं पीलियां नूं ही मॉडिफाई करांगे। लो जी सारे चौल इहदे विच पाते, इहनूं पूरी तरह रला देना आपस दे विच, पूरी तरह मिक्स कर देना, जिवें कि मतलब पूरी तरह मिक्स कर देना, बस यही समझो, ठीक है जी। मिक्स करी जाना करी जाना करी जाना, मैं उम्मीद किया सी जिमें एक राज मिस्त्री करता हुंदा, चार एक दे मसाले नूं पूरी तरह सीमेंट दे विच रेते नूं घोल देना, पानी पूनी पा गया, देखो पूरी तरह रंग निकल के अगे आ गया, टेस्ट तां भजे खा के पता लगेगा भी अगे आया कि नहीं, पर देखण नूं बहुत ही लजीज लग रहा है। लो जी शानदार फ्राइड राइस अपने बिल्कुल तैयार ने, तुहाडे घर भी जे कदे चौल बचे हुण तां उहनां नूं कदे सिट्टिओ ना, ते मेरी रैसपी देखो जिहदे नाल तुसीं उहनूं मॉडिफाई कर सकदे हो, ते बहुत ही वधिया ढंग नाल आम नॉर्मल चीज़ां नाल जो कि आम घरां विच हुंदियां ने, सानूं सिर्फ 10 मिनट लगे ने इहनूं मॉडिफिकेशन करन नूं, बहुत ही वधिया, इन्ना वधिया बणिया, टेस्ट भी लाजवाब, पूरा बंब बणिया। ते ब्लॉग मेरा देखियो जरूर, तो दस्यो किसी ने अगर ट्राई किया तो कमेंट के जरूर दस्यो भी किवें दा बनिया, थोड़े कोलों साढ़े कोलों तो बहुत वधिया बनिया। बाकी नवां ते ताज़ा ब्लॉग लैके जल्दी हाजिर होऊंगा, उदों तक मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।